दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप के बारे में जो कि है नेस्ट स्कॉलरशिप, और दूसरा है दोस्तों एक फेलोशिप जो कि SBI के द्वारा आप लोग यहाँ पे दी जा रही है। तो इन दोनों की डिटेल्स हम लोग एक एक करके कवर करेंगे, और अगर आप इन दोनों में से किसी एक के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी दी जा रही है। तो आगे बढ़ने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियोज आगे भी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और आगे बढ़ने के पहले आप लोग के लिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है इंडिया के नंबर वन स्टडी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की ओर से। तो अगर आप लोग दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट है, आईएएस एस्पिरेंट है, या फिर आपके फैमिली में कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो आप लोग उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो 6 अप्रैल से जो है इनका एक नहीं बल्कि 2 बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें दोस्तों इंडिया के नंबर वन एजुकेटर्स आप लोग यहां पे पढ़ा रहे होंगे, और आप लोग यहां पे उनके रेटिंग्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों प्रैक्टिस सेशन आप लोग के लिए अवेलेबल है, इसमें 20,000 प्लस क्वेश्चंस आप लोग यहां पे दिए जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्रैश कोर्स भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, इसके साथ ही 1:1 लाइव मेंटर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। और भी दोस्तों यहाँ पे काफी सारी चीजें हो जाती है जिसको जो कि अदर प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग देना चाहते हैं। तो इसके साथ जैसा कि मैंने बताया 6 अप्रैल से यहाँ पे 2 बैच स्टार्ट हो चुका है, फास्ट ट्रैक बैच और कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें इंडिया के नंबर वन एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप लोग के लिए दोस्तों यहाँ पे अप्रैल मंथ में ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं, आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विद 0% ईएमआई टुडे, यानी कि आप लोग के लिए यहाँ पे कोर्स में ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि एक तरफ से कहें तो आप लोन लेके भी यहां पे प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी की ओर से, जो कि काफी अच्छी बात यहां पे हो जाती है। और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों दिल्ली में यहां पे स्टोर ओपन किया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये स्टोर का एड्रेस भी चेकआउट कर सकते हैं अनअकैडमी स्टोर के नाम से, अगर आप लोग इसको विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पे ये हो जाती है कि 6 अप्रैल से यहां पे 2 बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, फास्ट ट्रैक बैच और कॉम्प्रिहेंसिव बैच। तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो हमारा कूपन कोड है SISU10 आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, तो आप लोग इस कोड को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो सारा जानकारी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कोर्स का लिंक हो, कूपन कोड हो, तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेकआउट करें। तो बात करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं नेस्ट स्कॉलरशिप के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे नेस्ट स्कॉलरशिप दोस्तों यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट 2022। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर आप लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम करना चाहते हैं नाइजर भुवनेश्वर से या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12th जो है आप यहां पे साइंस स्ट्रीम से पास आउट होने चाहिए, इसके साथ ही क्लास 12th में मिनिमम आपके यहां पे 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास दोस्तों मिनिमम यहां पे 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और आप लोग यहां पे देख सकते हैं अगर आप लोग क्लास 12th जो है 2020 में पास आउट किए हो या फिर 2021 में पास आउट किए हैं या फिर दोस्तों 2022 यानी कि अपीयरिंग है आप लोग, फिर भी आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2020 के पहले पास आउट किए हुए स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल नहीं होते हैं। यहां पे एज लिमिट भी रखा गया है, तो जनरल या फिर OBC कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो 1 अगस्त 2002 या फिर इसके बाद का आपका यहां पे बर्थ डेट होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ सीट्स की दोस्तों हम लोग बात करें तो नाइजर भुवनेश्वर में आपके लिए यहां पे 200 सीट्स अवेलेबल है, और दोस्तों CEBS मुंबई यूनिवर्सिटी में आपके लिए 57 सीट्स अवेलेबल है। रिजर्वेशन की दोस्तों बात करें तो OBC और NCL स्टूडेंट्स के लिए 27 प्लस सीट्स रिजर्व होते हैं, और यहां पे SC या फिर ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स यहां पे रिजर्व है। दिव्यांगजन स्टूडेंट्स के लिए यहां पे 5% सीट्स रिजर्व है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। एग्जाम दोस्तों आपके यहां पे 18 जून को यहां पे कंडक्ट किए जाएंगे 2 सेशंस में, आप लोग उसके टाइमिंग भी चेकआउट कर सकते हैं, और यहां पे सेंटर्स मेंशन किए गए हैं कहां-कहां पे इंडिया में सेंटर्स अवेलेबल हैं, आप लोग उसको भी देख पा रहे होंगे। टोटल 116 सेंटर्स यहां पे अवेलेबल है इंडिया के अंदर। कंप्लीट PDF का लिंक भी आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी की बात करें तो 1200 रुपीज आपको एज रजिस्ट्रेशन फी यहां पे करना होता है अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, या फिर दोस्तों अगर आप लोग फीमेल स्टूडेंट्स हैं और यहां पे SC ST कैटेगरी या फिर दिव्यांगजन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की दोस्तों हम लोग यहां पे बात करें तो 18 मई तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर पाएंगे, उसके बाद दोस्तों 6 जून को आपका एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज हो जाएगा, और 18 जून को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे 2 सेशंस में, उसके बाद यहां पे आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा 5 जुलाई को, जिसको आप नेस्ट की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो गए कैसे अप्लाई करना है। तो आपको यहां पे दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है यहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का, बिल्कुल इसी पे टैप करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें एप्लीकेंट्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर ये सब सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो आपको दोस्तों एक कुछ एकेडमिक डिटेल्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होता है, उसको अपलोड करके आप रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग का जो दूसरा नंबर है वो है फेलोशिप, जो कि SBI के द्वारा आप लोग यहाँ पे दी जा रही है। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ बात करें तो सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और अगर आप लोग नेपाल भूटान से ही बिलोंग करते हैं फिर भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से लेकर 32 ईयर्स की एज के आपके अंदर होने चाहिए एज ऑन 1 अक्टूबर 2001।
तो इसके बाद का आपका यहाँ पे बर्थ डेट होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और आप लोग दोस्तों बैचलर डिग्री आपका यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए, और अगर आप लोग परसीविंग है, अगर आपका इस ईयर भी कंप्लीट होने वाला है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की दोस्तों हम यहाँ पे बात कर ले तो टोटल 3 स्टेजेस में होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है प्रीलिमिनरी स्टेज, जिसमें दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है, कुछ पर्सनल बैकग्राउंड एकेडमिक डिटेल्स ये सब आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 1 से 2 महीना के अंदर आपको ऑनलाइन असेसमेंट कंप्लीट करना होता है, जो कि आपके ईमेल के द्वारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इजी क्वेश्चंस के आपको डेप्थ में आंसर करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेज 2 के बेसिस पे फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल असेसमेंट और इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये 3 स्टेज आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। 3rd स्टेज के बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे इनकी ओर से ऑफर लेटर सेंड किया जाता है, जिसमें जो भी फेलोशिप रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो आप लोग उसमें बताए जाते हैं। बेनिफिट्स की दोस्तों हम लोग बात करें तो एवरी मंथ आपको यहाँ पे 15,000 का अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए। इसके साथ ही अलग से 1,000 का अलाउंस आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस को लेकर। और जब आप लोग इस फेलोशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50,000 का अलग से आपको अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही 3rd एसिटेंट का फेयर वगैरह का ये सब कुछ आप लोग को दिए जाते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं, और भी आप लोग अदर सपोर्ट भी आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बात करें कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप लोग को ऊपर एक फ्लैश देखने को मिल जाएगा, SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2022-23, यहाँ पे क्लिक है ऑप्शन है, इस पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे अपना ईमेल डाल के यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स फिलअप करके आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। कोई आपको रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे करना नहीं होता है। तो अगर दोस्तों आप इन दोनों में से किसी एक के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।